अगला सवाल जिहड़ा वो है जी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो टीका है वो सब तो पहला किने किया सी, तो ये मैं बेनती करेगा प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह जी नूं भी वो ये बारे जानना पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतह। जी की फतेह। आवाज आ गई वीर जी? आ रही आवाज आ रही जी? आ रही जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का टीका सब तो पहला किने कीता? ये तो पहला एक दो गल्लां समझनी जरूरी है कि गुरु साहिबान दे समय तो ही हर सिख लई ये हुक्म सी कि सतगुरु ने सब को वेखदा देता जगत संसार, जिथे मुक्त न होवे जिचर शब्द ना करे विचार। शब्द विचार जिहड़ी है बहुत जरूरी सी, यही कारण है गुरु साहिबान ने हुक्म किया कलजुग में कीर्तन प्रधाना, जिथे सिख ने कीर्तन नाल जुड़े रहना है उथे सब ते उत्तम हर की कथा। पर हर की कथा नूं समझण समझाण वास्ते करण कराण वास्ते जरूरी सी कि ऐसिया उद्यम उपराले किए जाते। पर सन 1708 दे विच दशमेश पिता जी तो लैके खालसा राज 1699 तक सिखां ते अत दा समा रहा, जंगा युद्धां विच शहीदियां हुंदियां रहियां, वो सारे इतिहास तो आप जाणो। सो समा ही नहीं मिल सकिया कि कोई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का टीका किया जाए। खालसा राज तो बाद फिर उद्यम उपराले जिहड़े इस पासे वल सोचे गए, ते जदों असीं इह लभण दी कोशिश करदे हां कि टीके कुछ संप्रदावां दी इह मनौत है कि दशमेश पिता ने आप दमदमा साहिब विखे बाबा दीप सिंह जी ते बाबा मनी सिंह जी नूं अर्थ समझा दित्ते सन। उन्हां तों जिहड़ियां संप्रदावां चलियां वो सत्तों वाली गली श्री अमृतसर साहिब अते बाबा दीप सिंह जी दी संप्रदा जिहड़ी है टकसाल उहदे नाल जोड़िया जांदा है। पर वो कोई बाबा मनी सिंह जी दी कीती हुई टीका ज्ञान रत्नावली विच जपजी साहब दे कुछ अर्थ किए गए ने, ते उस तो बाद जे असीं देखदे हां तां समां मिल ही नहीं सकिया। ये बड़ा अर्थ दा समां सी ते जदों सिख रियासतां कायम हो गईयां, महाराजा रणजीत सिंह जी दे सतलुज दरिया तों अद बन गई ते दूजियां रियासतां फूलकिया रियासतां जिहड़ियां ओह रियासतां दे राजिआं ने कुछ उद्यम कीता है। उन्हां विच सब तो पहला उद्यम जिहड़ा है वह भाई संतोख सिंह जी का मिलता है। 1853 ईस्वी विच आनंद कंद सन्यासी नाम दे एक पंडित ने, सन्यासी साध ने जपजी साहब का टीका किया सी, पर वह जपजी साहब के टीके दे विच उन्हें गुरु नानक देव जी महाराज बारे बड़ियां गलत बयानियां कीतियां। गुरु नानक देव जी महाराज नूं उन्हां दे पंज गुरु ने नियत कर दिते, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख, ब्रह्मा, गुरु पार्वती, माई। माई दे दो टुकड़े करके लक्ष्मी ते सरस्वती, ते तीन देवते पहले गुरु ईश्वर, ईश्वरमय ने शिव जी, ब्रह्मा ते गोरख। वो कहिंदा पंज गुरु गुरु नानक पातशाह दे होए। सिख पंथ ने फिर जज्बा जिहड़ा जज्बात भड़के ते उस वेले महाराजा उदय सिंह कैथल दे राजा सन ते भाई साहिब भाई संतोख सिंह जी महाकवि उन्हां दे कोल रहिंदे सन, उन्हां ने प्रेरणा कीती कि इस टीके का जवाब तुसीं दिओ। ते गर्भगंजनी नाँ दा जपजी साहब का टीका भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने पहला कीता। पर संपूर्ण टीके की जिथों तक गल चलती है वो जदों असीं लभण की कोशिश करते हाँ तो यह पता लगता है कि पंडित तारा सिंह नरोतन ने भी कोई टीका किया सी, पर वो टीका मुड़ के अज तक मिलया नहीं, वो कोई प्राप्ति नहीं, वह कोई पता नहीं लगा। हाँ इन्ना तो पता लगता है कि दूजे विद्वाना ने भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने गुरमत मारकंड विच जिवें मूल मंत्र दे अर्थ करदे होए उन्होंने कोई शरारत की सी। एक का मतलब है ओंकार का मतलब रब है, तो एक का मतलब जिहड़ा उन्होंने एको ही सिमर सकता ब्राह्मण, तो सिखां वास्ते जंजू भी जरूरी है, टिक्का लाना भी जरूरी, इदां दे अर्थ किए हुए सन। सो भाई साहब भाई महाकवि संतोख सिंह जी तो जपजी साहब का टीका करवाया गया सब तो पहला। तो जिथे तक असीं ये गल करते हाँ कि सब तो पहला टीका जिहड़ा है वह फूलकिया रियासत दे फरीदकोट रियासत दे महाराजा फरीदकोट सरदार बिक्रम सिंह जी ने बहुत सारे निर्मले
ते उदासी विद्वाना नू कठे करके अपने राज ज्ञानी जड़े स्टेट दे राज दे मुखी ज्ञानी सी उन्हां दी सरप्रस्ती हेठ ये टीका करवाया। ते लिखण वाले भी भाई साहब भाई बदन सिंह जी और राज ज्ञानी हुए सन। ते ए महाराजा विक्रम सिंह सिखी जज्बात नाल भरपूर सन। इन्हां दा जन्म 1842 विच 32 साल की उम्र गद्दी ते बैठे। 8 अगस्त 1898 नूं इन्हां दा देहांत हो गया। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने महान कोश के पन्ना 812 ते कीता। इन्हां दी बहुत वड्डी देन जिहड़ी है वह सचखंड श्री दरबार साहब विखे बिजली लाउण दा जिहड़ा उद्यम सी बिजली सप्लाई का बहुत विरोध के बावजूद ये बिजली का प्रबंध बिजली सिस्टम लागू करने के लिए भाई ये राजा विक्रम सिंह सफल होए। तो इन्होंने उस वे 25,000 रुपया अपने को देकर दरबार साहब विखे सारी बिजली जिहड़ी है वह सिस्टम चालू करवाया सी। लंगर लई भी उस वे इन्होंने 75,000 रुपया दिता सी। उस तो बाद ज्ञानी बिशन सिंह जी मुजंगा वाले लाहौर जिते साईं मियां मीर जी रहिंदे सन उत्थे एक टीका ज्ञानी बिशन सिंह जी का किया हुआ साढ़े वड्डे वीर ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी के कोल पिया है। उन्होंने भी संपूर्ण टीका किया है। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने कोशिश की तीजे नंबर ते पर वो 6 पोथियां करन तक ही सफल होए ते बाकी उन्होंने देहांत हो गया। वो सचखंड प्याना कर गए। उस तो बाद डॉक्टर बलवीर सिंह जी उन्होंने भ्राता ने यह टीका संपूर्ण किया। बाकी 4 पोथियां शायद उन्होंने कीतियां पूर्ण। सो भाई वीर सिंह जी का भी यह उद्यम से जिहड़ा तीजा टीका जिहड़ा है वह भाई वीर सिंह जी ने शुरू किया। उस तो बाद प्रोफेसर साहब सिंह जी वो सारे मशहूर है, विस्तार में जाने की लोड़ नहीं। गुरबाणी दर्पण गुरु ग्रंथ साहब दर्पण वो असी तुसी सारे पढ़ते हाँ। यह प्रोफेसर साहब सिंह जी की एक बहुत वड्डी देन सी। इस तरह प्रोफेसर हरवंत सिंह जी इन्होंने भी संपूर्ण टीका किया, वो तो हुण साढ़े समकाली ही हैं। तो इंग्लिश के जोड़े टीके किए गए वो सरदार मनमोहन सिंह जी तो सरदार डॉक्टर गोपाल सिंह जी दोवां ने संपूर्ण टीके किए हैं। सो सब तो पहला टीका जोड़ा है वो फरीदकोटिया रियासत की देन है जो ज्ञानी बदन सिंह जी की सरप्रस्ती उन्होंने लिखित विच बहुत सारे निर्मले सन्यासी विद्वाना ने किया। अज का सवाल का जवाब इतना कि होर किसी ज्यादा जानकारी हो दसन की कृपालता करो तो असं भी अपने ज्ञान में वाधा करके अपने आप को खुशकिस्मत समझा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भुल गलती लिखे मां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो बड़े विस्तार नाल वीर जी ने सानू दस्या और जो कुछ हुण तक सूचना मिल सकी है इकट्ठी हो सकी है उहदे मुताबिक सब तो पुराना जिहड़ा टीका है वह फरीदकोटियां वाला टीका जिहनूं आपां आम तौर ते मशहूर है बदन सिंह जी दा लिखिया उही मिलता है। इस तो कोई पुराना कोई स्रोत मिल जाए तो वक्री गल है, अजे तक नहीं मिलिया। उहदे पैनल च वी डिस्कस होया तो इत्थे तक ही असीं पहुंचे हाँ कि सब तो ओल्डेस्ट ये है। मैं संगत नूं बेनती करनी चाहुंदा कि क्योंकि कंप्यूटर का युग है असीं अपने मोबाइल से कंप्यूटर से बहुत कुछ देख रहे। देखो समय की घाट होने करके कोई चीज़ देखनी या गाइडेंस लैनी क्योंकि काफ़ी काम कट शार्ट हो जाता है वो ठीक है, पर मैं बेनती कर दिया खास करके जो इंग्लिश टीके किए और जो कंप्यूटर से अवेलेबल उन्होंने देखने आया कि जिस तरह प्रोफेसर साहब सिंह जी ने हर शब्द का भाव दिता है परंतु जो इंग्लिश के टीके वो तकरीबन डिक्शनरी मीनिंग ने उन्हें भाव नहीं मिलता। सो इस करके मेरी बेनती है बई ये ठीक है कि समा अजक सारे दौड़ च लगे ने समा की बड़ी घाट है पर यह सारी घाट की कसर जी है ना वो आप गुरबाणी लेना कटिए बाकी काम तो आप करी जाने चाह भी कट जाए तो गुरबाणी का काम असं कट शाट करी जाने ये साढ़े लिए चंगा नहीं होएगा। तो इस करके मैं बेनती करते हैं जिस वेले आप गुरबाणी के अर्थ समझने तो फिर समा कट के टीकों तो पोथियों तो समझा जाए खास करके प्रोफेसर साहब सिंह जी पोथियां जहाँ तो समझा जाए खा जितों तक इंग्लिश का तलक है वह मैं खुद यानी संत सिंह खालसा जी जे है आस्ट्रेलिया वाले उन्होंने भी किया है और एक और अपना है मिस्टर थिंद करके उन्होंने भी किया है पर उन्होंने देखने चाहिए है कि वो डिक्शनरी मीनिंग ने शब्दों के भाव नहीं दिते। सो इस करके बेनती है कि आपू शब्द भाव वाल चल बड़ा ज़्यादा जरूरी है केवल डिक्शनरी मीनिंग करने गल नहीं बनता। इस करके समा कट के पोथियों को
ये जो अर्थ ने समझने की कोशिश की जाए। मैं पिछले भी बेनती की थी कि अपन कंप्यूटर का युग जरूर है पर फिर भी पाठ करने लिए समा गुटके तो ही करना चाहिए एमरजेंसी छ बेनती प्रवान करने। धन्यवाद।